हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल सी क्विक सी एक रेसिपी, जो कि अगर आपके घर में हरी सब्जी नहीं है तो आप बनाकर खा सकते हैं। तो ये है मेरी मम्मी की रेसिपी। तो आइए चलिए अपनी मम्मी के स्टाइल में पीले मटर के छोले बनाने की रेसिपी आपको बताती हूँ। तो ये काबुली चना नहीं है, पीला मटर है, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। एंड देन मैंने प्रेशर कुकर में नमक और पानी डालकर इसे 4 से 5 विसल्स के लिए बॉईल कर लिया था, विसल्स दिए थे, सीटी लगाई थी। एंड देन अब मैंने डाला है कढ़ाई में सरसों का तेल 1 बड़े चम्मच, उसमें मैंने डाला है जीरा, और जीरा जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी 1 मीडियम साइज़ प्याज बारीक काट करके। 1 कप हमारा था मटर और उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज कट करके डाला, और उसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नमक। नमक डालने से प्याज आपका जल्दी ट्रांसलूसेंट होता है, और उसके बाद मैं इसे प्याज को गर्म ढक करके थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, ताकि प्याज हमारा सॉफ्ट भी हो जाए और साथ ही साथ ब्राउन भी हो जाए। एंड देन अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया था, बिल्कुल 1 टीस्पून। इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं और यस, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड देन जिंजर गार्लिक जैसे ही हमारा फ्राई हो गया, मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ये दोनों चीज़ें मैंने डाल करके और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सो दैट हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और भुन भी जाए। तो अब मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे, और जैसे ही मसाले हमारे भुन जाएंगे तो हम उसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, और इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जितना भी तेल है वो सेपरेट ना हो जाए। बहुत छोटी सी क्विक सी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर पूरा देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। तो लिड मैंने लगा दिया, सो दैट जो हमारा टमाटर और प्याज है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, और इसमें अब मैं डालूँगी उबला हुआ हमारा मटर। तो मटर जो था उसको मैंने पानी से स्ट्रेन कर लिया है, और मटर डाल करके अब मैं इसे भून लूँगी 2 से 3 मिनट तक। और जो हमारे मटर उबले हुए मटर का पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है, रखना है, क्योंकि उसी को हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। उससे हमारे मटर के जितना भी न्यूट्रिशियस जो वैल्यू होता है वो हमें मिलता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होते हैं वो सारे मिलते हैं। तो अब मैं इसमें, हमारा मटर भी फ्राई हो चुका है, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मटर उबला हुआ पानी। जब भी आप चना छोला राजमा ऐसी कोई भी चीज़ें बनाएं तो आप उसी पानी को ऐड करें जिसमें उसे बॉईल किया, इससे आपकी ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छा है। तो ये हमारा रेसिपी बनकर हो गया तैयार। तो इसे हम 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और 2 मिनट के लिए ढक के बॉईल करने के बाद ये हमारी कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी। और आइए चलिए इसे सर्व करते हैं, और इसे आप रोटी पराठे या पूरी के साथ इसे अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी फॉर्म में आप इसे आ सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।